हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है ये वैकेंसी अडानी ग्रुप की तरफ से निकाली गई है। अडानी ग्रुप इंडिया का मल्टीनेशनल ग्रुप है। इसका हेड क्वार्टर अहमदाबाद में है। इसके फाउंडर गौतम अडानी जी हैं। और गाइज, यहाँ पर वैकेंसी बहुत ही अच्छी और लेटेस्ट निकाली गई है। यहाँ मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता देती हूँ। जो भी हमारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, और जो एलिजिबल नहीं है वीडियो को लाइक करके स्किप कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पर फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप लोग फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस हैं, साथ ही ऑल इंडिया में आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, सभी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। गाइस, ये जो अडानी ग्रुप है अदर अदर फील्ड में वर्क करता है, जैसे इलेक्ट्रिकल पावर के फील्ड में, साथ ही ऑयल एंड गैस के फील्ड में एंड सोलर के फील्ड में। तो ये आप लोगों का डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, उसी फील्ड में आप सभी यहाँ पर जो है जॉब पाएंगे। अब चलिए, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, डिप्लोमा कैंडिडेट एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट। ग्रेजुएट अगर आप टेक्निकल हैं या नॉन टेक्निकल हैं, दोनों एलिजिबल हैं। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी निकाली गई है। और इसकी जो अप्लाई लिंक है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप लोग चेक कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में पिन की गई है, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू करें और जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करें। तो इस तरीके का टैब ओपन होगा। यहां मैं कुछ ऐसी वैकेंसीज बताने वाली हूँ जिनके लिए आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। जैसे सबसे पहले जो आप लोगों की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर, वो है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल वालों की जो वैकेंसी है सीनियर इंजीनियर की है, इलेक्ट्रिकल की। इसके लिए सभी स्टूडेंट अप्लाई करें। 18 नवंबर को पोस्ट आउट की गई है। फुल टाइम जॉब रहेगा। इसमें अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है या फिर ग्रेजुएशन या मैं बीई बीटेक किया है, आप सभी एलिजिबल हैं। ओनली टेक्निकल कैंडिडेट। मैं कुछ मेन वैकेंसी बताऊंगी, नॉन टेक्निकल वाले स्टूडेंट अपना अकॉर्डिंग देख लीजिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, बट मैं यहाँ टेक्निकल की ज़्यादा डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच वालों के लिए। ये भी 18 नवंबर को ही पोस्ट आउट की गई है। गाइस, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ मेंटेनेंस की वैकेंसी है, इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और साथ ही सिविल वाले कैंडिडेट ज़रूर अप्लाई करें। और गाइस, यहाँ 19 नवंबर को ये पोस्ट आउट की गई है वैकेंसी। फुल टाइम परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है। ग्रेजुएट है, डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, दोनों अप्लाई करेंगे, वो भी फ्रेशर कैंडिडेट। अब देखिए गाइस, ये आप लोगों की सीनियर की है, ये यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा, ऑलमोस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, नॉन टेक्निकल वाले, मैं टेक्निकल का डिस्कस कर रही हूँ। अब बात कर लेते हैं, देखिए नेक्स्ट वैकेंसी की, जो मेंटेनेंस में है असिस्टेंट की। मेंटेनेंस की वैकेंसी के लिए आप सभी अप्लाई करेंगे, जैसे कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो भी इस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं। मेंटेनेंस में गाइस देखिए, मेंटेनेंस हर किसी चीज़ का होता है, मशीन्स का हो सकता है या फिर अदर किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में वर्क कर रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट अप्लाई करें, ऑल ब्रांच यहाँ एलिजिबल हैं। फाइनेंस वाले फाइनेंस में करेंगे, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब देखिए नेक्स्ट, केमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट हैं, बीएससी कर रखा है केमिस्ट्री से, वो यहाँ अप्लाई करें। जो हमारे कैंडिडेट टेक्निकल हैं सीनियर इंजीनियर के लिए, जिनके पास 2 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, सीनियर इंजीनियर के लिए आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस, ये तो आप सभी की वैकेंसी हो जाती है। अब बात आती है नेक्स्ट मैनेजर की वैकेंसी के लिए। तो देखिए, ये मैनेजर की वैकेंसी है इंजीनियरिंग सर्विस की। तो यहाँ भी हमारे टेक्निकल स्टूडेंट एलिजिबल हैं। ऑलमोस्ट ये काफ़ी सारी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब बात करते हैं अप्लाई करने का। तो अप्लाई करने के लिए चलिए मैं कुछ वैकेंसी की यहाँ पर देखिए, सीनियर मैनेजर की है मैकेनिकल मेंटेनेंस में, डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्लाई करेंगे इस वैकेंसी के लिए। तो ये ऑलमोस्ट टेक्निकल वालों की वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकाली गई हैं। अब मैं एक वैकेंसी आप लोगों के सामने ओपन करके दिखा देती हूँ, जिससे कि आप सभी को पता रहे कि कैसे यहाँ पर दिया जाता है। तो चलिए हम लोग कोई भी वैकेंसी यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पर ये एक वैकेंसी ओपन कर रखी है। इसमें आप सभी देखेंगे, ये वैकेंसी आप लोगों की
करियर के जरिए से ही निकाली गई है। आप लोगों का जो अडानी ग्रुप का करियर है, करियर पेज है, उसके जरिए से निकाला गया है। पूरा नोटिफिकेशन एकदम जारी किया गया है और यहाँ पर देखिए वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। वॉक इन इंटरव्यू इन गुजरात, राजस्थान, ये दो लोकेशंस को रखा गया है। 19 से 20 तक, मतलब ये स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब 19-20, और ये जो वॉक इन इंटरव्यू है ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। बट गाइज मेन बात ये है कि यहाँ अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग जो आप लोगों के पोजीशन है उसके लिए निकाला गया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखें आप सभी, यहाँ आप लोगों की पोजीशंस का अलग अलग रह गया। गुजरात है, ये सभी अलग अलग, जो भी अल्ट्रा मेगा आपका रहने वाला रिन्यूअल पार्क, ये वैकेंसी अडानी ग्रुप की तरफ से ही है। पोजीशंस यहाँ पर दी गई हैं, जैसे लीड सिविल वालों के लिए, लीड इलेक्ट्रिकल, लीड पैकेज। तो टोटल वैकेंसी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। टोटल वैकेंसी में आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, क्वालिफिकेशन में बीई बीटेक अप्लाई करेंगे किसी भी ब्रांच से, इसी तरीके से यहाँ पर बीई बीटेक डिप्लोमा सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हैं, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट जो थर्ड वैकेंसी है लीड सिविल वालों के लिए, बीई बीटेक डिप्लोमा सिविल से हैं अप्लाई करेंगे। एंड नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, बीई बीटेक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले, इसमें भी आप लोग इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हैं, बीई है, डिप्लोमा है और बीटेक है। यहाँ भी बीई बीटेक डिप्लोमा सिविल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सिविल। तो गाइस ये आप लोगों की देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जूनियर सिविल इंजीनियर, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और टेक्नीशियन। टेक्नीशियन में देखिए डिप्लोमा और आईटीआई एलिजिबल हैं, सिविल से हैं। इसी तरीके से टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए डिप्लोमा और आईटीआई है। टेक्नीशियन इंजीनियर और या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बीई बीटेक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल। अब सबसे कम जो एक्सपीरियंस रखा गया है इन वाली वैकेंसीज के लिए रखा गया है मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस। बाकी मैंने फ्रेशर्स की भी पहले ही बता दिया, उनके लिए भी अप्लाई कर लेना। और यहाँ राजस्थान वगैरह आप लोगों का ये सभी लोकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई करें। और गाइस इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 2 तरीके से अप्लाई करना है। आपको ये जो ईमेल आईडी दे रखी है इस पर अपना सीवी सेंड करना है। सीवी सेंड करेंगे जो हमारे कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। ये अभी आप लोगों को मैंने अपडेट दिखाई है, इस अपडेट के लिए आप लोग एलिजिबल हैं, तो अपना सीवी इस पर सेंड करें प्लस रिज्यूम। अब जो ये वैकेंसी है इसका फिर आपके पास मेल आएगा, उसके बाद वॉक इन इंटरव्यू के लिए बताया जाएगा कि आपको कब वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है, तब आपको वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना होगा। अब ये तो है सीवी के जरिए से अप्लाई करना, अब मैं एक आप लोगों को लिंक के जरिए से अप्लाई करना बता देती हूँ। गाइस हमने यहाँ पर जो सीनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल वालों की वैकेंसी वो ओपन कर ली है, इसको अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पर आप सभी को क्लिक करना है। देन एक न्यू टैब ओपन होगा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ अप्लाई करना है, आई एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर ईमेल आईडी पासवर्ड डालिए। ईमेल आईडी जो कैंडिडेट हमारे पहले यहाँ पर रजिस्टर कर चुके हैं उनके पास होगा, नहीं किया है अगर आप लोगों ने रजिस्टर तो न्यू यूज़र पे जाएं। न्यू यूज़र पे जाने के बाद अपना नाम, पासवर्ड और यहाँ पर री एंटर पासवर्ड, ईमेल आईडी, अगेन ईमेल आईडी डालें और रजिस्टर कर दें। रजिस्टर करने के बाद आप लोगों को फिर ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है और यहाँ आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और उसे गाइस अप्लाई कर देना है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि गाइस मैंने इस पर बेस्ड बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, क्योंकि इसको अप्लाई करके भी मैंने दिखा रखा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।